तो दोस्तों आज हम हैं वृंदावन में कांच मंदिर के पास। यह है कांच मंदिर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और हम जा रहे हैं इसके अंदर कांच मंदिर देखने। दोस्तों यह मंदिर जयपुर मंदिर के पास में है, यहीं बराबर में जयपुर मंदिर है वृंदावन में ही, और जयपुर मंदिर और कांच मंदिर दोनों पास पास में ही हैं। तो हम चलते हैं अब अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर। दोस्तों इसमें एक गुफा भी है और यह मंदिर अंदर से देखने में कांच का बना हुआ है, बाहर से सीमेंट का लगता है लेकिन अंदर पूरा ये कांच का है, और इसमें गुफा भी है। गुफा भी हम बाद में आपको दिखाने वाले हैं, आप बस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए अब दोस्तों देखते हैं, आपको बाहर से दिखने में ये 3 मंजिल का है दोस्तों, और ये काफ़ी खूबसूरत बताया जाता है। तो अभी हमने देखा नहीं, तो चलो आपको भी दिखाते हैं और चलते हैं अंदर। तो देखिए अंदर दोस्तों, ये पूरी तरह सभी दीवारों पर कांच लगा हुआ है, शीशे लगे हुए हैं, और इसके जो पिलर हैं वो भी जो है कांच के ही बने हुए हैं। दोस्तों यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है, और ये जितने भी शीशे और कांच इसमें लगे हुए हैं सारी डिज़ाइन वो जो है कांच के शीशे से ही बनी हुई है। चारों तरफ अगर इसमें मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं, वो भी सारी जो है कांच की ही बनी हुई हैं पूरी मूर्तियाँ, और सब कुछ इसमें कांच का ही है। जिधर देखो उधर कांच की ही इसमें डिजाइनें पड़ी हुई हैं, दीवारों पर कांच के शीशों से ही चित्र बने हुए हैं, और इसमें फर्श जो है काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें नीचे घूमने पर फर्श पर बस कांच नहीं है, बाकी हर जगह इसमें चारों तरफ कांच लगा हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसमें थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन काफ़ी साफ दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सामने ये विग्रह है, गर्भगृह है, यहाँ पे ये देख रहे होंगे ये भगवान श्री कृष्ण का, और यही मुख्य मंदिर है सामने। और इधर चारों तरफ भी आप देख ही रहोगे, इस दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं उभरी हुई, ये भी दोस्तों दीवारों पर कांच की ही मूर्तियाँ जिनके ऊपर पेंटिंग कर दी गई है। वैसे तो यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। देखिए ये कांच के शीशे को जोड़ जोड़ कर यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बाहर से घूम के चलते हैं और जो है गुफा के अंदर चलेंगे और आपको गुफा भी दिखाते हैं। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और गुफा में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है गुफा, यहाँ पे सिर्फ 5 रुपये टिकट लगता है इसका गुफा में अंदर जाने का। मंदिर में इस टिकट से ही मंदिर का रखरखाव, रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ इसी से चलता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर 5 रुपये लगता है। साफ़ सफाई जो भी कर्मचारी इस मंदिर में काम करते हैं इसी गुफा से पैदा होता है, उनको सैलरी दी जाती है, और मंदिर की डेंटिंग वेंडिंग भी इसी से की जाती है। आप चाहो तो यहाँ ज़्यादा दान दे सकते हो। तो देख रहे होंगे गुफा में ये श्रवण कुमार जी हैं, और आगे चलते हैं, आगे आगे देखते हैं क्या है आगे। तो अब आगे यहाँ पर देख ही लीजिए आप दोस्तों, ये हैं भगवान श्री कृष्ण को ले जाते हुए यमुना में वासुदेव जी, और आगे चलते हैं क्या है देखते हैं आगे दोस्तों। आगे हैं भगवान शिव जी जो के बचपन के श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं नंदगांव गोकुल में। तो आगे देखते हैं क्या है, तो चलिए आगे देखते हैं। और आगे है यहाँ पे राक्षस का वध कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये हंस जो है राक्षस के रूप में आया था वो वाला। तो आगे चलिए देखते हैं आगे, पूरा हम दिखाएंगे धीरे धीरे। और ये देखिए ये है शेषनाग यमुना में, और शेषनाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं। तो देख रही है ये दोस्तों, ये काफ़ी लंबी गुफा है। आगे हम आप हमारे वीडियो बन रही है, आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण जी से मिलने आए हुए हैं, तो देखिए आप देख रहे होंगे। और आगे चलते हैं, आगे जो है कन्हैया की माँ कन्हैया को डांट रही हैं, और यहाँ पे ये मुंह फाड़ के इन्होंने अपने मुंह में पृथ्वी दिखाई थी, वो यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है। और चलते हैं आगे, आगे भगवान श्री कृष्ण और ये नंद बाबा जी हैं, उनके गाय का दूध पी रहे हैं, और इधर उनकी यशोदा जो है डांट रही हैं। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे नंद बाबा भजन गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ बैठ के सुन रहे हैं दोस्तों। तो और आगे चलते हैं देखते हैं आगे, आगे माखन चोरी की लीला दिखाई जा रही है यहाँ पे, और ये देखिए माखन चोरी की लीला दिखाई जा रही है। आगे भी चलते हैं और आगे क्या क्या है आगे भी देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर माखन चोरी लीला हो रही है, यहाँ पर ये चीरहरण की लीला को दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे आगे क्या है आगे। यहाँ पे चार चीज गुफा बहुत लंबी है, काफ़ी
दूर तक है। तो आगे चलिए दोस्तों, आगे चलेंगे और आगे क्या क्या है ये भी देखेंगे। तो आगे है दोस्तों, यहाँ पे मीराबाई को दर्शन देते हुए भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है। और आगे क्या है आगे भी देखेंगे। और आगे यहाँ पे जो है इसका पता नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक संत जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे रासलीला को दिखाया जा गया है आगे। तो आगे देखेंगे दोस्तों, गुफा काफ़ी लंबी है थोड़ी सी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये कांच मंदिर, और आगे इससे कांच मंदिर से आगे दोस्तों मैं बता दूँ पागल बाबा मंदिर है। और अगर आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो कांच मंदिर पागल बाबा के मंदिर के बाद ही कांच मंदिर पड़ता है। और ये जयपुर मंदिर अगर आप जाना चाहें तो जयपुर मंदिर भी जा सकते हैं, इसी मंदिर के सामने ही पड़ता है थोड़ी आगे 100-150 मीटर आगे। तो यहाँ पे चीरहरण की लीला को दिखाया जा रहा है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चीरहरण की लीला। तो दोस्तों ये बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और रुचिकर है ये गुफा, तो आप यहाँ अवश्य ज़रूर आएँ इस मंदिर में और इस कांच के मंदिर को देखें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।